हिंदी मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम खान और हिंदी मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम अजमेर शरीफ इज्तिमा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में आलिमी इज्तिमा हो रहे हैं, इसी तरह एक सबसे बड़ा आलिमी तबलीगी इज्तिमा अजमेर शरीफ राजस्थान स्टेट में होने जा रहा है। दोस्तों, उसकी तारीख है 2-3-4 मार्च 2019। दोस्तों, आलिमी तबलीगी इज्तिमा मरकज निजामुद्दीन से मौलाना साद साहब कांदलवी के द्वारा हो रहे है और ये आलिमी तबलीगी इज्तिमा 2-3-4 मार्च 2019 को अजमेर शरीफ में होने जा रहा है। इस इज्तिमा में निजामुद्दीन मरकज से मौलाना साद साहब और उनकी जमात हमारे सामने हाजिर खिदमत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर में पूरे 10 साल के बाद आलिमी इज्तिमा होने जा रहा है। इससे पहले 2009 में यहाँ इज्तिमा हुआ था और हर साल इज्तिमा होता है, लेकिन वो सिर्फ जिले के हिसाब से होता है। वैसे तो यहाँ राजस्थान स्टेट के हर जिले में हर साल इज्तिमा होते है, लेकिन अजमेर में इस साल दुनिया का सबसे बड़ा आलिमी तबलीगी इज्तिमा होने जा रहा है। दोस्तों, इस इज्तिमा की तैयारियाँ अल्लाह के फजलो करम से बहुत बढ़िया चल रही है। इस आलिमी इज्तिमा से बहुत सारी जमातें बैरून और दीगर राज्यों में निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आप सभी मुस्लिम भाई और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग अजमेर शरीफ के इस आलमी तबलीगी इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को उसके असल मकसद में कामयाबी दे। और मेरी मुस्लिम भाई और बहनों से अदबन गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर दबा लें। जज़ाकअल्लाहु खैर।